मतलब तो रोज ये तीव्र जान है ना ना ये तो ना यार बिहार जी आ रही तुम तो उतर नहीं हो उतर नहीं बिगाड़ से ना मान दे किराए पर है ना ना किराए पर नहीं ना ये कुछ के नीचे गोरुं बातें किन्हीं धार रहे ये साधु जो मालूम कूल लगा रहा साधु के आज बाहर बारिश आ रही है बहुत तेज है ना ये सासुल ये रुकेगी नहीं सुबह तक बारिश ये सासुल ये बारिश मुश्किल रुकेगी बारिश चल रही है हाँ अब बारिश आती रही सुबह तो है बारिश आती रही सुबह तो कैसे जाएंगे कहाँ सुबह अगर ना रुकी तो ये बारिश अभी एक दो घंटे यहाँ 15 मिनट की बारिश होती है बस अच्छा अच्छा ना ना अब उसी मजाक सोचते मैंने उसी सोचते हम तो खाली खाली मजाक सोचती थी तब जब गांव में बने घर में कच्चे घर में तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के करीब करीब 6:15 और हम निकल गए हैं गांव से बाहर। हम जा रहे हैं अभी कैलाश जी की दुकान पे। कैलाश जी जो हमारे साथ पूरे दिन थे उन्होंने कल बहुत साथ दिया हमारा। और रात को कल हुआ क्या, हम जब रानीखेत से आ रहे थे बहुत तेज़ बारिश हो गई जैसे हम यहाँ पहुँचे गांव में, और इतनी तेज़ बारिश हो गई कि आप मानोगे नहीं, ओले पड़ गए और मैं पूरा भीग गया था। किसी तरीके से रात को गांव में सोने की जगह मिली, रात को सो गए और उसके बाद उठ के अभी हम जा रहे हैं नैनीताल के लिए। और नैनीताल जाकर थोड़ा घूमकर हम दोपहर के बाद निकल जाएंगे दिल्ली। और अभी जा रहे हैं मुख्य कैलाश जी की दुकान पे, वहाँ से कुछ मिठाई लेनी है दिल्ली घर जाने के लिए, घर लेके जाने के लिए। और आप गांव का नज़ारा देखो, अभी ये है गांव का नज़ारा पूरा, दूर दूर तक देखिए कितना बढ़िया मौसम लग रहा है। ये हुआ गांव की दिल्ली। दोस्तों बाइक हमारी रेडी हो गई है, थोड़ा सा इसको चला के छोड़ दिया है, थोड़ा सा इंजन गर्म हो जाएगा और उसके बाद हम निकलते हैं। और निकल कर चलते हैं आगे, नाश्ता अच्छा करते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, जहाँ कल नहाए थे वहीं पर रुक के एक बार पहले नहाते हैं, नहाते मुँह धो लेते हैं ठीक है ना, फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम भद्रोजकान पहुंचने वाले हैं, 4 किलोमीटर रह गया है। और अब मैं आपको दिखाता हूं यहां का एक स्कूल, नवोदय स्कूल है। और यहां पर बच्चों के एंट्रेंस वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तब यहां पर एडमिशन मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। ये स्कूल है, आप देख रहे हो सामने कितना बढ़िया स्कूल बना हुआ है, बिल्कुल कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये यहाँ मैं इतनी दूर से इसकी वीडियो ले रहा हूँ। और ये अभी हम आगे यहाँ से निकल जाएंगे। हम कल बारात में जब गए थे तो इस रूट से ऐसे नीचे गए थे और अब ऊपर से हम यहाँ पर आ रहे हैं। ये खड़ी हमारी बाइक, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। किधर, यहाँ पर? हाँ।
अच्छा हम पहुंच गए रिची, ये खड़ी हमारी बाइक। ये है कैलाश जी की दुकान, भोले मिष्ठान भंडार। कभी आप आओ बिनसर की तरफ रिची, अगर आओ रिची रुको तो इनकी दुकान देख लीजिए, मिठाइयाँ वगैरह सब मिलती हैं एकदम फ्रेश। ये देखिए कल से हमारे साथ घूम रहे थे, मिठाइयाँ पैक कर रहे हैं, हैं? बैठने उठने की बढ़िया सुविधा करके है। अच्छा, ये रिची चौराया है, रिची चौराहे से ये आए हम यहाँ से नीचे बदरोज खान से, और ये रास्ता जा रहा है यहाँ पर बिनसर के लिए। 9 किलोमीटर यहाँ से बिनसर है और यहाँ से नैनीताल का रास्ता है। ये कितने किलोमीटर है? ये नैनीताल होगा तुम्हारा 60-70 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर के करीब यहाँ से नैनीताल है। ये रिची चौराहे पे इनकी दुकान है, भोले मिष्ठान भंडार। आप आओ इधर पर तो कभी भी ज़रूर इनकी दुकान पर रुकिएगा, चाय नाश्ता पानी कीजिएगा और नाम ले दीजिएगा मेरा, बहुत अच्छी खातिरदारी करेंगे। यहाँ समोसे वगैरह सब मिलते हैं आपके पास? पहाड़ी मुर्गा है। कैलाश जी मुझे दिखाना है काफल का पेड़, तो देखते हैं अभी। देखो ये, हाँ काफल लगे मेरे, ये है काफल। अभी पके नहीं है काफल, है कच्चे हैं या खा सकते हैं? ये लाल वाले पके हैं। अच्छा, तो जाएगा उन ऊपर, समस्या हुआ है तोड़ने के लिए। अच्छा, जो चलते हैं जो चढ़ते हैं हाँ उधर जाके तोड़ लेते हैं। अच्छा, वैसे कच्चे पके ये लाल वाले जितने भी हैं सब ये। अच्छा, यही तो बिकते हैं। और ये अखरोट का पेड़ है। अच्छा, ये अखरोट अभी पक हो रखे हैं? हो रहे हैं, वो देखो है, ये हो रहे ना, उसमें लगे नहीं दाने। हाँ लगे हुए, ऐसे ही है। दिल दिखाना अखरोट कहाँ से? ऐसे ना, वहाँ से तुम जा रहे हो, हाँ पहाड़ की चीट है। हाँ हाँ बिल्कुल ले लेंगे। क्या है ये, आपके आपका वाइफ जैसे थे यहाँ की है अखरोट? एक ऐसी, एक तो ये अभी लेते हैं हम अखरोट। नहीं मैं दिखाता हूँ तोड़ते हुए, तोड़ते हुए क्या दिखाते हैं? ये आलू का पेड़, ये कच्चे हैं अभी, छोटे हैं अभी कल से, ये पक गए नहीं, ये इतना ही होता है। अच्छा, ये इतना ही होता है, ये होता ही इतना ही है। जैसे अच्छा, वो जो बड़ा होता है ना, वो दूसरा होता है। ये वो है ना जो हमारे मोबाइल पर यूट्यूब पर गाने नहीं आते, जो ये वो बनाते हैं, क्लिप डालते हैं यूट्यूब पर। आपके भी डालूंगा प्रकाश काला है। अभी अम्मा तोड़ रही है, देखो कैसे 3-4 दिन लगी। वाह, ऐसे पकड़ा, ये तोड़ दिया आड़ू। और तोड़ो, बस बस बहुत है खाने हैं अपने, बस है वो, बहुत नहीं तोड़ो, बस बस मैं यहाँ नहीं, ये दो ही ले जाऊँ घर, बस बहुत है, डाल के देखो वाइफ को, घरवाली को दिखा लेंगे। हाँ इनकी घरवाली घरवाल की है। अच्छा,
देसी है, देसी जब बोलते हैं देसी। ये दो आड़ू मैंने ले लिए घर ले आने के लिए, यहाँ की निशानी तो घर ले आएंगे। और ये रहे हमारे अखरोट, यहाँ अखरोट मुझे मिले हैं 2.5 रुपए का एक पीस, जो कि बहुत बढ़िया है। और मैंने दिए हैं अपने यहीं के पेड़ के अखरोट, टूटे हुए हैं ये। अच्छा नहीं, जैसे वो तो मर गए, अब मरने के बाद 2 साल पूरे हो गए, तो उसके जो बच्चे हैं उन्होंने केस डाल दिया एक नोटिस। अच्छा अच्छा, अच्छा ये रोड वहाँ आ गई जहाँ कह रहे थे ना कि यहाँ से रिची मेरा 5 किलोमीटर है ऊपर जाके। ये दोस्तों वहाँ गए हैं कि जंगलात का वो बना हुआ है गेस्ट हाउस नीचे, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर बोर्ड भी लगा था, अभी हम नीचे जा रहे हैं यहाँ से, और बिल्कुल ही कच्चा रास्ता है। ये एंट्री गेट है। अच्छा ये जंगल के वो बने हुए हैं अंदर रुकने के लिए हैं। अच्छा निकल निकल, जैसे ये पेंटिंग की भी सारी पूरे हाथ से है ये। अच्छा कुछ चिपके हुए नहीं है ये, पेंट पे है ये। अच्छा ये कोई चीज चिपका नहीं रखा है। नहीं पेंट हाथ से बनाई हुई, पेंटिंग करी हुई है, सब हाथ से बनाई है। हाँ देखो सब चीज बताई हुई इसमें, तितली कौन सी है, इंडिटेड एडमायरल, कॉमन पीकॉक है ना, सब हाथ से बनाई। इसका जो था ना जो कमरा था वो, हाँ 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 वो सरकारी, वो सरकारी है, वो सरकारी ये टिकट घर बनाया हुआ। नहीं नहीं ठीक है भाई, मैं 11 बजे तक नैनीताल पहुंच जाऊंगा, 11 बजे तक नैनीताल पहुंच के मैं वहां रुकूंगा 2 घंटा है ना, 1 बजे तक। अच्छा ये बिनसर महादेव जाता, और आगे रास्ता ये तो कल हम आए थे। अच्छा ये कल, अच्छा वो वाला रास्ता हो गया, कल हम आए थे तो। हाँ अच्छा अच्छा तो ठीक है। दोस्तों आ गए बिनसर महादेव मंदिर पे, और यहाँ से है एंट्री, अंदर ज़्यादा मोबाइल वोबाइल अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक ले जा सकते होंगे वहाँ तक दिखाएंगे, उसके बाद नहीं। हाँ मैं चले जाता हूँ ऐसे ना। गणेश जी का मंदिर है, जय जय बिन समाधि। यह जी बिनसर महादेव का मंदिर, और अभी यहाँ पर ना 4 तारीख से कितनी तारीख तक, 10 दिन के लिए हो रहा है, 10 दिन के लिए मेला लगने वाला है। और यहाँ पर इतना खाना बनता है जी, कैलाश जी बता रहे हैं कि मतलब जितने भी आदमी आएंगे सब खाना खा के जाएंगे, चाहे 5 हज़ार आए, चाहे 4 हज़ार आए, चाहे 10 हज़ार जाए, सब ये खाना रेगुलर बनता रहता है। और मंदिर देखो कितना खूबसूरत बना रखा है, बिल्कुल पेंट कर रखा है, और इतना बढ़िया मंदिर गेट के आगे बिल्कुल देखो कितना लंबा पेड़ एकदम लगा हुआ। ये चारों तरफ जंगल के बीच में मंदिर, अभी यहाँ पर ना सब जगह मार्केट वो लग जाएगी, दुकानें लग जाएंगी चारों तरफ, और यहाँ इतने लोग आएंगे दिन में, मतलब टोटल करीब करीब लगा लो लाखों लोग यहाँ पर आ जाएगा, 10 दिन में कम से कम लाखों लोग आ जाएगा, ऊपर ही आएगा, ऊपर ही आएगा, 10-20 हज़ार तो रोज का आदमी होगा। अंदर आश्रम बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, तो चले अभी यहाँ से हम। इसमें जो है, इसमें जो जैसे कमरे हैं ना, हाँ जैसे आप मतलब श्रद्धा पूर्वक हो ठीक ठाक पैसे, आपने बाबा जी से बोला एक कमरा बना मेरा, इसमें आपका कमरा बन जाएगा, इसमें कमरा बन जाएगा, आप जब भी आओगे
आप अपने कमरे में जाके आपके लिए रहना सहना यही फ्री होगा। अच्छा। खाना पीना सब फ्री होगा क्योंकि कमरा बनाया आपने। उसके बाद क्या होगा, वो कमरा चाबी यहीं रहेगी, जैसे आप नहीं हो कोई दूसरा आया मतलब यहाँ रह ले, ऐसा होगा। बहुत लोगों ने यहाँ कमरे बना रखे सारे अपने, जब जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं आते हैं घूमने के लिए, इसी तरह अपने कमरे में जाएंगे रहेंगे। इस पर आश्रम हुआ चलेंगे हम, चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी रिची में फ्रेश फ्रेश हो गए हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा नहा धो लिया है और थोड़ा सा अब यहाँ से निकलने की तैयारी नैनीताल की तरफ, और कैलाश जी को गुड बाय कहने का टाइम है क्योंकि इनके साथ दो दिन रहे, इन्होंने बहुत घुमाया हमें, बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बिनसर ले गए हमें, रानीखेत ले गए लोकल में, बहुत सारी चीज़ें दिखाई, मंदिर दिखाया, बहुत सारी चीज़ें दिखाई है। तो कभी आप रिची आओ तो बोले मिष्ठान भंडार है इनकी शॉप, ज़रूर आना यहाँ पर और ज़रूर आकर इनको जो है यहाँ पर नाश्ता पानी कर सकते हो। यहाँ से आप बिनसर भी जा सकते हो, रानीखेत भी जा सकते हो, नैनीताल, तीनों जगह की रास्ता है यहाँ पर, आप कहीं पर भी जा सकते हो। और यहाँ पर मैंने लोकल जो फ्रूट्स है ना, ये अखरोट वगैरह यहाँ से ले लिए हैं, ठीक है ना, दो आड़ू भी लिए हैं, क्या बोलते हैं उन्हें आड़ू को यहाँ पर, चुंगारू बोलते हैं, वो भी ले लिए दो। अभी पानी भर रहे हैं ये, तो ठीक है आपसे नैनीताल जाते हैं रास्ते में बात करते हुए और फिर आपको नैनीताल में मिलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से रिची से हम निकल रहे हैं और कैलाश जी से अलविदा लेते हैं, ठीक है, तो आएंगे आपसे, कैंपिंग करेंगे आपके साथ जरूर आके, मिलेंगे आपसे, ठीक है ना, ठीक है जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे इस टूर में अभी तक किसी से इतना अच्छा नहीं लगा मिलके जितना आपसे मिलके लगा, ठीक है। लोग बहुत मिले लेकिन आपने बहुत मदद करी, ठीक है, कभी दिल्ली आओ तो फ़ोन करना, है ना, फ़ोन करना मुझे, है, हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, ओके। तो चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ से निकलते हैं, जंगली मुर्गियाँ मुर्गे सब देख लिए। अब यहाँ से हमें जाना है 36 किलोमीटर खैरना, और खैरना से फिर आगे है नैनीताल, तो करीब करीब 1.5 घंटा तो कम से कम लग जाएगा हमें। तो चलते हैं और आपसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं लोकल गांव, घर, सब कुछ दिखाते हैं। देखो अनार का पेड़ है, ये अनार हो रहे हैं छोटे छोटे यहाँ पर। दोस्तों अभी रुके एक अननोन डेस्टिनेशन पे, हम निकले थे रिची से, और आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, पीछे का मेरे पीछे का व्यू देखो कितना बढ़िया है, गांव के घर बने हुए, और अब व्यू देखिए कितना बढ़िया है यहाँ। बस शांत है दूर दूर तक, गांव का स्लेट वाला घर पत्थरों से बना हुआ। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाई, बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिखाए, घर दिखाए, आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो, आई होप अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, आपको इतनी अच्छी अच्छी जगह दिखा रहे हैं, तो शेयर करना और लाइक करना सब्सक्राइब करना आपका बनता है। तो चलते हैं आगे और आपको आगे और व्यू दिखाते हैं, और अच्छा दिखाते हैं, यहाँ से नैनीताल जाते हैं, नैनीताल तक भी वो अच्छे अगर व्यू दिखेंगे तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। हम पहुंच गए खैरना, और खैरना से जा रहे हैं नैनीताल की तरफ, यहाँ लगा हुआ है जाम, तेल हमने डलवा लिया है, टंकी फुल कर ली है, और अभी यहाँ पर पता चला यहाँ का जो पेट्रोल का रेट था वो 95 समथिंग करके पर लीटर का रेट था, और पता चला आज 8-9 रुपये सस्ता भी हुआ है कुछ पेट्रोल, मतलब दिल्ली में भी सस्ता हुआ होगा और यहाँ पर भी सस्ता हुआ है। तो जो टंकी मेरी मतलब रिजर्व लगने के बाद 1100-1200 में भर रही थी, आज 950 में फुल हो गई, वाह रे वाह, मज़ा आ गया।
हम आ गए नैनीताल और ये है नैनीताल की नैनी झील और ये देखिए इसमें मछलियाँ भी हैं। थोड़ी गंदी जरूर हो गई, लोगों ने बहुत कूड़ा फेंका हुआ है। हम आ गए नैनीताल में माल रोड पे और अभी घूम रहे हैं यहाँ पर अकेले। माल रोड का माहौल आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। यह नैनीताल की माल रोड बोटिंग करते, लेकिन बहुत भीड़ है बोटिंग करने के लिए। तो दोस्तों अपनी बाइक पे आ गए हम वापस और अब यहाँ से जाते हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि माल लोड घूम लिया और ज्यादा तो घूमना नहीं है, निकलना भी है क्योंकि हमें काम। ये है आई लव नैनीताल नैनी झील और ये है चारों तरफ नैनीताल का व्यू। तो निकलते हैं वापस अब दिल्ली के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नियर एंड डियर में शेयर भी कर देना ताकि सब लोग देख सके। चलो चलते हैं, बाय दिल्ली की तरफ। दोस्तों अभी मुरादाबाद करीब करीब 20 किलोमीटर यहाँ से रह गया है और टाइम हो रहा है 5:30 ही बज गए लगभग और हम दिल्ली 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो आपसे देखते हैं, अगर टाइम से पहुँच गए तो ज़रूर बात करेंगे घर पहुँच के। तो दोस्तों जस्ट मैं घर पहुँचा हूँ अभी और 8:52 हो रहे हैं इस वक्त और बस वॉक को यहीं एंड करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।